हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ फ्लेवर्ड रेसिपी। सबसे पहले आप सभी को दिवाली और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड छठ पूजा टू ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय फ्रेंड्स। तो आज मैंने बनाया है छठ पूजा में बनने वाला सबसे स्पेशल प्रसाद, जिसके बिना छठ पूजा अधूरा है। इसको मैंने बनाया है आटे से नहीं, जबकि रागी के आटे से, और ये मिलेट ठेकुआ है। बनाना बहुत ही आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। इसके लिए मैंने बराबर मात्रा में गेहूं का आटा और रागी लिया है, रागी का आटा। इसके साथ ही ये 10 से 15 काजू है, इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है और इसका पाउडर बना लिया है। इसके बाद ये थोड़ी सी चीनी है, चीनी भी इसमें कम लगती है, काजू से ये हल्का मीठा हो जाता है, तो मैंने इसमें चीनी बहुत कम यूज़ की। इसके साथ ही सफ़ेद तिल और थोड़ा सा वनीला एसेंस लेंगे फ्लेवर के लिए। सबसे पहले आटा और रागी डालकर इन दोनों को हमको बहुत अच्छे से मिला लेना है। इन दोनों को अच्छे से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद ही इसमें दूसरी चीज़ ऐड करेंगे। ये रागी और आटा हमारे देखिए बहुत अच्छे से मिल गया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। ये भी हम पूरी चीनी नहीं डाल रहे हैं, लगभग मैंने इसमें 1/4 कप से थोड़ी सी कमी चीनी डाली है, मतलब 3 चम्मच। इसके साथ हम इसमें ये जो काजू का मैंने पाउडर बनाया था, इसको इसमें डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप मूंगफली का भी ऐसे दरदरा सा पाउडर बनाकर इसमें डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे ठेकुआ में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम इसमें 1 छोटी चम्मच हम डालेंगे वनीला एसेंस। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे इस ठेकुआ में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बिल्कुल ठेकुआ का टेस्ट मिठाई जैसे आता है, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच शुद्ध घी डाला है। एक्चुअली मैंने इसमें 2 चम्मच शुद्ध घी यूज़ किया है, लेकिन एक डालने के बाद आप आटे को अच्छे से मिला लें, उसके बाद दूसरा डालकर इसको रगड़ रगड़ कर हमको आटे को अच्छे से मिक्स करना है। इससे मोयन बहुत अच्छा आता है और ठेकुए में बहुत अच्छा सा क्रैक्स पड़ता है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी यूज़ करके, ये ठंडा पानी है, इसको डालकर हमको सारे डो को अच्छे से बाइंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा गूंथना नहीं है, बस इतना पानी इसमें रहना चाहिए कि अच्छे से बाइंड हो जाए, जैसे हम बिस्किट विस्किट का डो बनाते हैं उस तरीके से। इसके बाद इसको ढककर हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने देंगे, लगभग आधे से पौन घंटा। रेस्ट होने से आटा हमारा बहुत अच्छा सा हो जाता है और जब इसका हम ठेकुआ बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से बनेगा, मतलब साइड साइड दरार ज़्यादा नहीं आएगा। इसके बाद हम हाथ में थोड़ा थोड़ा सा घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद हथेलियों से इस तरीके से दबाते हुए सारी साइड को बराबर तरीके से हम दबाएंगे और ये ठेकुए का इसको शेप दे देंगे। आप चाहे तो लंबा गोल, जैसा भी ठेकुआ आप पसंद करते हैं उस तरीके से बना लीजिए। उसके बाद जैसे हम आटे का ठेकुआ बनाते हैं, उसकी डिज़ाइन के लिए हम साँचा यूज़ करते हैं, लेकिन ये रागी है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसको मैंने साँचे में नहीं डाला है, बस चाकू से इस तरीके से इसमें थोड़ी थोड़ी सी ऐसे डिज़ाइन दे दी है। और जब ये कुक होगा तो इसमें अपने आप बहुत अच्छी दरार आ जाएगी। ये सारा ठेकुआ मैंने बना के रेडी कर लिया है। इसके बाद हम कढ़ाई में घी डालेंगे। घी को हमको बहुत गर्म नहीं करना, ये बहुत ही हल्का गर्म घी है। फ्लेम को हम लो मीडियम रखेंगे और इसमें देखिए ठेकुआ डालें, इसमें बहुत हल्का सा बबल्स आ रहा है। 3 से 4 ठेकुआ मैंने एक बार में डाला है, और जब इसमें थोड़ा ज़्यादा बबल्स आने लगे, जब ठेकुआ हमारा हल्का सा ऊपर आए, तो एक एक ठेकुआ को धीरे धीरे से ऐसे इस तरीके से हमको पलट देना है और दोनों साइड अच्छे से गोल्डन होने तक हमको इसको फ्राई करना है। रागी का आटा बहुत ही सॉफ्ट होता है, तुरंत टूटने का डर रहता है, इसलिए आप इसको जब ठेकुआ हल्का ऊपर आए तब भी इसको पलटिए। देखिए ये हमारा ठेकुआ बन के रेडी हो गया। इसके बाद जो बचे हुए ठेकुए हैं, फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और तेल को फिर से ठंडा होने देंगे। वैसे ही तेल जब हल्का सा गर्म रहेगा तब इसमें हम ठेकुआ डाल देंगे, और डालने के बाद हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। ऑन करके फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। अगर हम तेज़ तेल में ठेकुआ डालेंगे तो ठेकुआ हमारा अंदर से पकेगा नहीं और ऊपर से ब्राउन कलर हो जाएगा, और धीमी आंच पे जब इसको पकाएंगे तो कलर भी बहुत अच्छा आएगा और हमारा ठेकुआ अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। तो आप इस छठ पूजा में ये रागी का ठेकुआ बना के ज़रूर ट्राई करें। आटे से डिफरेंट रहेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा, और आप चाहें तो इसमें चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ का प्यूरी बना के चीनी की जगह आप वो डाल दीजिए, उससे और ज़्यादा ये हेल्दी हो जाएगा। तो हमारा ठेकुआ बन के रेडी हो गया है। इफ़ यू लाइक द फ्लेवर ऑफ माई रेसिपीज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।